कहीं ये आ जाए फकर के लफ्ज ये ना समझे कि सारे वाली फकीर होते हैं। क्या बताएं, बाद अल्फाज ऐसे थे कि कभी अच्छा माना रखते थे, अब खराब हो गया। एक लोग इसी में फकीर भी, फकीर का माना आज हमारे यहां जो इस्तेमाल होता है वो इतने छोटे माना में होता है कि किसी बुजुर्ग को फकीर कहने में तोहीन नजर आता है। हालांकि ये फकीर का लफ्ज इतना ऊंचा लफ्ज, इतना ऊंचा लफ्ज कि सालेहीन ने तो इस्तेमाल ही किया और कुरान ने तो ये कह दिया कि खुदा के सिवा सब फकरा। सुभान अल्लाह, वल्लाहु अली वानतुमुल फकरा। सुभान अल्लाह, सारे सालेहीन फकरा, सारे कामिलीन फकरा। फकरा खुदा के बारगाह का मोहताज होना ये भी एक शर्म है, ये भी एक इज्जत, ये भी एक वकार की बात है। तो फकीर होना अपने रब का, मगर एक बात बताऊं कि फकीर दो तरह के होते हैं। एक वो फकीर है जिनका फख्र इख्तियारी, सुभान अल्लाह, और एक वो फकीर है जो मोहताज, जिनका फख्र इख्तियारी हो। तो ये बुजुर्गाने दीन ने जो फख्र को अख्तियार किया, फख्र को अख्तियार किया, ये उनका अख्तियारी अमल। सुभान अल्लाह, अख्तियारी अमल है, वो मजबूर नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अख्तियारी अमल है, उन्होंने फख्र अख्तियार किया, इसमें उन्हें इज्जत क्यों हुई। अल फकीर इला हजरत रब्बिल गनी, रब्बिल गनी का फकीर होना है कोई बांगड़ी बात? ये इज्जत की बात थी। मुन्ना फकीर के माना मोहताज समझ लेना, इसके पर कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ये तो शहंशाही बांटने वाले, ताजदारी की मनसब तक पहुंचाने वाले। महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहता, हुजूर में बहुत गरीब हूं, कुछ मदद कर। कोई फकीर से मांगने जाता? क्या बात, ये सब जानने वाले भी समझते हैं ये और है। चौटाई को बैठ कर दूसरों को सल्तनत देते। क्या बात, ऐसे महबूब इलाही ने सूरह इखलास तीन मरतबा पढ़ा, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के दम किया, मिट्टी सोना हो। सुभान अल्लाह, ये खुश हो गए कि सोना भी मिल गया, सोना बनाने की तरकीब भी मिल गई। रात भर लेकर कई किलो बढ़ गए, सूरह इखलास पढ़ते पढ़ते खुद बेदम हो गए, सुनहरा भी नहीं। उसे दिन महबूब इलाही की बारगाह में, हुजूर आपने तीन बार पढ़ा था, मैं तो रात भर दम भर गया। हजरत कहते हैं कि खुदा के कलाम में मिट्टी को सोना बनाने की पूरी ताकत है, मगर पहले निजामुद्दीन की जुबान पर। तो ये चटाई पर मजबूरी से नहीं बैठे हैं, ये अख्तियार से बैठे हैं। और मुझे ख्याल आया, जो मैंने हजरत मखदूम सिमनानी का जिक्र छेड़ा था, चला गया गुजरे, तो वह भी हमारे मौजू ही कहते हैं, मौजू से रख रहे थे। हजरत नूरुल आइन से वो कीमिया बनाने का बड़ा शौक, एक कीमिया को उस्ताद में मिल गए थे, सीख लिया था अच्छा, और बनाए हमेशा कीमिया बनाने वालों की आखिरी आंच बिगड़ जाती है। हजरत मखदूम को पता चला कि साहब नाटे को कीमिया बनाने शौक है, बुलवाया, अब उनकी तालीम के अंदर, बेटे मुझे इश्किंजे की जरूरत है, जरा मिट्टी का ढेला लाओ। वो जब लेकर आए, नजर खास डाली सोना,
बेटे मैंने सोना नहीं मांगा, मिट्टी का ढेला फिर दिल लेकर आए, फिर नजर डाली सोना, फिर तुमने वही किया, मैंने सोना नहीं मांगा, मिट्टी का ढेला मांगा, फिर गए फिर लेकर आए फिर सोना। अब आज साहब हजूर मैं तो मिट्टी का ढेला ही लाता, आपकी नजर से पड़ती तो सोना बन जाती, कहा बेटे इस तरह का कीमिया बनाना सीखो। इनका फख्र इनका अख्तियारी है, ये फख्र अख्तियारी इसलिए है, ये समझते हैं कि हम तो तख्त भी बैठ सकते हैं, हम ताज भी पहन सकते हैं, मगर चटाई पर बैठना ये रसूल की सुन्नत है, कमरी आना ये रसूल की सुन्नत है। हमारी जिंदगी अगर फख्र के आलम में रहेगी तो रसूल की जिंदगी से करीब रहेगी।